लेबनन के लोगों की मनपसंद डिश लेबनीज चिकन। वाह, नींबू को काटना नहीं है, है? नींबू का छिलका डालना है। अबे अबे ये क्या खिला रही, कचरा चरा। मैं बोली थी ना, एक नंबर दिख रहा है। दिखने में अच्छा है बट अभी टेस्ट में देखना पड़ेगा। तुम आम क्या कर रहे हो? जेनुइन रिव्यूज चाहिए। जेनुइन ही बोल रहा मैं, मेरी मस्का लगाने की आदत ही नहीं है। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आप सभी का नियान की नोकझोंक भरी छोटी सी दुनिया में। आप लोग देख रहे हो हमारी जो वॉइस है वो बहुत ज्यादा लो करके हमें बात करनी पड़ रही है, क्योंकि गाइस आज फिर सुबह से जोहान नहीं सो रहा है बिल्कुल भी। गाइस कुछ हो गया कि तुम चाह रहे थे ना कि वो दिन भर ना सोए, रात भर सोए। रात भर सोता है? नहीं, रात भर भी नहीं सो रहा ना। कल रात में भी कहाँ सोया, सुबह 7 बजे सोया हो। सुबह 7 बजे गाइस उसकी नींद है ना बहुत कम हो गई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो रहा है ना वैसे वैसे उसकी नींद कम हो रही है, इसको खेलने का ज्यादा हो रहा है। पर वो खेल भी तो नहीं रहा ना, वो चिड़चिड़ कर रहा है। पता नहीं गाइस क्या हो गया। गाइस अभी भी देखो 6:45 हो चुके हैं और हमें आज रेसिपी बनाने की। और जैसा कैसा करके हम लोग उसको बस वहाँ पे सुलाए गए, वो सो रहा है और हल्का हल्का हिल ही रहा है, टुचुक 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 कर ही रहा है और हमें डर लग रहा है कहीं वो उड़ गया। वैसे आज भी रेसिपी नहीं बन पाई क्योंकि रेसिपी निजा की बहुत ज्यादा फेवरेट है और मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो निजा बोली कि सबको बताएंगे कि हम लोग क्या बना रहे हैं, ठीक है? तो निजा फटाफट तैयारी करो, मैं उसको देख के आता हूँ। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि निदा दीदी आप लोगों के आउटफिट्स जो आते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं और इंस्टाग्राम पे लेने से पहले ही आप वेबसाइट से वो स्टॉक आउट हो जाता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग जो निकाले ना गाइस वो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग और बहुत ही ज्यादा अच्छे अच्छे फैब्रिक के बने हुए हैं। तो हमारा जो एक बहुत ही ट्रेंडिंग था वो मूनलाइट अबाया विच इज खिमर जिसमें नेट था, वो हमारा बहुत ही जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। तो मैंने सुफियान को बोली थी कि एक उसमें से निकाल के रखना सुफियान, क्योंकि मुझे करना था गिव अवे, राइट सुफियान? यस गाइस, वो प्रोडक्ट आप लोगों को मिलेगा बिल्कुल ही फ्री फ्री पूरा, नो पैसा, जीरो पैसा, फ्री, नो डिलीवरी चार्जेस आल्सो, गाइस एकदम फ्री। तो उसके लिए आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस के आंसर करना पड़ेगा और आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और उसके लिए आपको इंस्टाग्राम पे हमारी एक्टिव रहना पड़ेगा, मतलब हमारी मेन अकाउंट पे नहीं, हमारे मॉडेस्टी बाय निदा खान के अकाउंट पे एक्टिव रहना पड़ेगा। तो कभी भी आ सकता है वो क्या बोलते हैं उसको, गिव अवे, इंशाल्लाह ये हफ्ते में आ जाएगा। और गाइस वो गिव अवे रिलेटेड रहेगा व्लॉग से भी, तो एकदम ध्यान से व्लॉग्स देखना। तो गाइस अभी बातें कम करते हैं, काम ज्यादा करते हैं, क्योंकि गाइस अगर जोहान उड़ गया तो हमारी जिंदगी कम हो जाएगी। तो चलो निदा क्या कर रहे हो तुम, ये ओ खाला? मैं सारे निकाल रही हूँ सामान जो उसके लिए हमको जरूरत है। और गाइस कल जो हुमूस आया था निदा ने मंगवाया वो मैंने नहीं खाया, मैं सोचा कि निदा जब रेसिपी बनाएगी तभी खाऊंगा क्योंकि स्पेशली उसके लिए मंगवाई है। काम करो तुम, यहाँ पे रेसिपी रिकॉर्ड करो, बीच बीच में सब बोलना नहीं। ए बेटा लोगों को वही पसंद है, गाइस कमेंट करके बता दो कि आप लोगों को मेरी क्या बोलते हैं उसको, भंकस क्या अच्छा वो नाम बोलो ना कुछ, मेरे वर्ड्स को अच्छा नाम, एंटरटेनमेंट। हाँ तुम अपने वर्ड्स को तो बराबर नाम दे देते हो ना, तो इस प्यार को क्या नाम दूं, फटाफट काम करो या बाहर भेजू, क्या बोले नींबू फेंक के मार मुई मुई। अबे पहले बोबड़ी बराबर बोलना तो सीख, 500 लीटर अब ये चीज में छेड़ोगेगा पूरा टाइम। सो गाइस सबसे पहले आप लोग को हम लोग इंग्रेडिएंट्स बता देंगे, सॉरी इंग्रेडिएंट्स बता देंगे। बम फूट आ गया? अरे नहीं सुफियान, सुबह से बहुत आवाज चल रही है और बार बार हम लोग के कपड़े का रैक उड़ उड़ के उधर चला जा रहा है। कोई बात, दो बार तो मैंने करी साफ, मतलब लेकर आई हूँ। चलो अभी मेरी प्राइवेट चीजें संभाल लगी, सारे घर में नहीं चले जाए, जब लाके लेगा तो फिर कुछ और ही हो जाएगा। नहीं नहीं बैठ जाएंगे, वो कपिल शर्मा की मूवी है ना, वो 4 फ्लोर वाली, वैसा सबको पता चल जाएगा मेरे बारे में भी। तो गाइस चलो सबसे पहले हम लेंगे लेमन, नींबू, नींबू और हम लेंगे ऑरिगैनो। अबे ये तो सोफ है, क्या झूठ बोलती हो ऑरिगैनो? अच्छा ये करते रहोगे तो अच्छा, मैं sorry, भूल जाऊंगा, सॉरी सॉरी। फिर हम लोग लेंगे गार्लिक पाउडर, व्हाइट ऑनियन पाउडर, ब्लैक पेपर और ग्रीक योगर्ट ही यूज करना गाइस। अगर लेबनीज बनाना है तो नॉर्मल योगर्ट यूज कर सकते हो आप लोग, बट ग्रीक योगर्ट में कुछ योगर्ट टेस्ट आता है। सही है सही। ओके, और लाल मिर्ची विच इज रेड पेपरिका और पार्सले फ्लैट, ये आप लोगों को ट्रिकिया ट्रिकिया लिखा हुआ इसके ऊपर। ये आपको मिलेगा, एक है झुट्टी कुछ भी क्या बोले, ट्रिकिया थोड़ी है, ये क्या लिखा है, पार्सली फ्लैट। ये इटालियन कुजीन में यूज होता है, यू नो इटालियन कुजीन। फटाफट करो, जीरा पाउडर एंड ऑब्वियसली नमक, शमक नमक शमक डाल देते हैं। इसने कुछ भी गाई है, क्या नमक शमक नमक शमक डाले देते हैं। हाँ, सच्ची कैसा लग गया गाइस, कमेंट में जरूर बता रहे हैं, सच बोली कैसे मेरे को उल्लू बने। जोहान अभी भी हिल रहा है, चिल्लाओ मत, अगर डेंजर भाई उड़ गए ना शॉट हो जाएंगे अपने, बोले तो डेंजर भाई, डेंजर भाई उड़ गए तो मैटर हो जाएंगे। गाइस आप लोगों के लिए बहुत ही क्विक रेसिपी है ये, आपको इतने सारा इंग्रेडिएंट्स की जरूरत नहीं पड़ रही है, बट प्लीज ध्यान देना आप लोग ग्रीक योगर्ट यूज करना, फिर बाद में आप बोलोगे कि टेस्ट अच्छा नहीं आया, क्योंकि इसका जो टेस्ट है ना वो ग्रीक योगर्ट में ही आएगा। नहीं तो लेकिन उनके
उनके घर में जो लोग खाते वो लोग को वो चल जाएगा ना, तुम्हारा थोड़ी टेस्ट करने वाले सब नहीं, तुम्हारा तो खाली मैं टेस्ट करने वाला हूँ। लेबनीज लेबनीज जैसा नहीं लगेगा। ये बात भी सही है, लेबनीज एकदम चाइनीज लगेगा। पहले हम डालेंगे योगर्ट। कितना योगर्ट डालने का? जितनी चिकन है उतना योगर्ट डालना है। मैं थोड़ा सा डालू तो अगर एक किलो चिकन है तो एक किलो योगर्ट डालना है? नहीं। तो फिर जितनी चिकन उतना योगर्ट कैसा होगा? यार जो घर में औरतें पकाती हैं उनको पता है, तुम यहाँ पे मेरा दिमाग मत पकाओ। अखंड बेइज्जती। क्या? सॉरी गजब बेइज्जती। तो इसके अंदर मैंने डाली हूँ विच इज नो एडेड शुगर है गाइस। ये इसको खुद को भी नहीं पता था, अभी मालूम पड़ा, अभी मालूम पड़ा इसको भी। 880 ग्राम। मत लो यार। जल्दी कुल्ली करो, फटाफट कुल्ली करो। गाइस 24 घंटे कैमरा ऑन रखना पड़ेगा। जल्दी तोबा करो। अल्लाह तोबा। जल्दी आदत है मेरे को लेफ्ट ओवर चट लेती हूँ लेफ्ट ओवर चट लेती हूँ। अरे बोबड़ी भी हो गई गाइस। गाइस का स्लिप ऑफ टंग बहुत होता है, आप लोग बहुत हंसते हो, मैंने कमेंट में नोटिस किया हूँ ये चीज। आप लोग को बहुत मजा आती है जब निदा का स्लिप ऑफ टंग होता है। निदा तुम्हारी बहुत मजे लेते हैं सब लोग। लोगों को तो ये नहीं पता कि तुम पैदाइशी बोबड़े हो, तुम भी क्यों हंसते हो? मेरा बात करने का स्टाइल ही ऐसा है, लोगों को समझ ही नहीं आता। ब्लैक पेपर ज्यादा गिर गया? नहीं पागल, इतना तो डालना पड़ेगा ना, चिकन अपनी उतनी है। देखो तो गाइस मैंने विनेगर में डुबा के रखी हूँ चिकन को ताकि वो जल्दी से छूट जाए। और इसलिए भी डालते हैं बिकॉज चिकन की जो स्मेल है वो चला जाए और चिकन सॉफ्ट हो। मैंने सही बात, चिकन छूट जाए तो पिंजरे में बंद थी। ब्लैक पेपर डाल दी, अभी सॉल्ट डालेंगे, नमक शमक डाल देते हैं। फिर हम डालेंगे गार्लिक पाउडर। ज्यादा गिर गया अनिता, अगर टेस्ट खराब आया उसको कॉम्पेंसेट कर लेंगे। कैसा करेंगे? गाइस गलत बना रही है। नहीं गलत, देखो कितना अच्छा लग रहा है। आप डालेंगे उसमें व्हाइट ऑनियन पाउडर, एक्चुअली इसमें पता नहीं चलता है। गाइस आप प्लीज मेरे जैसे, ये बहुत ज्यादा गिर गया। नहीं यार चिकन इतना सारा है उस पर टेस्ट तो आना चाहिए। फिर हम डालेंगे रेड पेपरिका, थोड़ा सा ही डालना है, ज्यादा नहीं डालना है। रेड पेपरिका बस थोड़े स्पाइस के लिए, वैसे लेबनीज खाने में ज्यादा स्पाइस होता नहीं है। लेबनीज खाने में स्पाइस होता ही नहीं है, थोड़ा थोड़ा डाल सकते हैं ना, अपन इंडियन है भाई, इंडियन को स्पाइस के बिना चले हुए ही नहीं। ये बात भी सही है। ओरिगैनो बहुत कम डालना गाइस, क्योंकि ओरिगैनो की स्मेल बैठ जाती है बहुत ज्यादा। क्योंकि पिज्जा थोड़ी जो ओरिगैनो डालेंगे अपन, है कि नहीं? लेबनीज खाने में ओरिगैनो पड़ता ही पड़ता है। कहाँ तक पड़ता है? 11वीं 12वीं इंजीनियरिंग पड़ता है। मैंने तो बी एम एस पढ़ा है तो बी एम एस तक पढ़ता है। बी एम एस क्या बात कर रहे हैं? हिलना चालू कर दिया है फिर से। तो गाइस हमें नींबू को काटना नहीं है, नींबू का छिलका डालना है। अबे ये क्या खिला रही, कचरा खिला रही है? चुपचाप खा के फिर तारीफ करना। नींबू का कचरा कौन डालता है अंदर खाने में? तुमको नहीं मालूम है? अरे ये तो कितना सख्त नींबू है यार। बड़ा सख्त लौंडों का ही काम है। लाओ मैं करूंगा, चल लाओ, शीतल से मैं लड़ूंगा। निकल रहा है। गाइस ये भी कौन सी पीछे का डालोगे प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। शीतल से तो मैं नहीं लड़ूंगा, सिर्फ इतना ही बोलता है। मैं शीतल से मैं लड़ूंगा बोला, मैं अपना काम करो। अरे वो बस नहीं बताना तुमको। निदा ये क्यों, क्या कचरा कर रहे हो? लो मैं करता हूँ, छोड़ो। क्या बता कितना, क्या कुछ भी तो नहीं क्या नींबू अंदर? अबे निदा ऐसा लग रहा है तुमने खाली किसी के सर के ऊपर से बाल निकाल, तुमने बाल डाल दिया अंदर, क्या पूरा तो अक्खा सर यहीं पर ही पड़ा हुआ उसका। हाँ तो लेमन है। तो लेमन नहीं है, लेमन का कचरा है, लेकिन डालने का रीजन क्या है भाई मेरे को वो तो बताओ। तुमको नहीं पता लेबनीज खाने में ये सब पड़ता है? तो बताओ ना, अरे पड़ता है, कहाँ तक पड़ता है वो तो बताओ। बता तो रही हूँ। तो क्यों डाल तो रही, क्यों डाल रहे हो? क्योंकि लेमन का टेस्ट जो है ना वो जो अंदर का जो मांग मटेरियल है उससे ज्यादा कवर में आता है, समझ रहे हो? डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, पहले बना रहा हूं तुमको मैं। क्या यस, वो अंदर का डालो ना फिर तुम। जब लेमन आप स्क्वीज करते हो उसकी खुशबू इतनी स्ट्रांग नहीं होती जितना आप ऊपर से सूंघते हो, तो अपने को स्ट्रांगनेस चाहिए। तो चिकन से जिम करवाओ ना, स्ट्रॉन्गनेस चाहिए तो नींबू को क्यों परेशान करो? नहीं यार आजकल के चिकन बहुत बीमार हो गए, आजकल के चिकन खुद को नहीं बचा सकते तो अपने को क्या बचाएंगे। ठीक है तो अभी तो बताएंगे पास ले, इसका थोड़ा सा ही लेना है अपने को, क्या बोलते इसको, पार्सली, सिर्फ पत्ती लेना है गाइस, बकरा की डारी है गाइस, पत्ते खाओ खुद जान जाओ। तो इसको मैं तो ऑब्वियसली ये यूज करती हूँ, नाइफ से ज्यादा प्रेफरेबल रहता है ये। देखो कितना क्यूट है, खुशबू कितनी अच्छी सुफियान। तुमको मालूम है अपन एक बार पिज्जा खाए थे उसके ऊपर सिर्फ पत्ती थी, तुम बोले ये घास फूस दे दी उठा के। वो पिज्जा नहीं था वो, पागल अपन लोग देवनाथ में वड़ा पाव की दुकान में गए थे तो वड़ा पाव में खत्म हो गया था, तो उसने पाव में पत्ती डाल के दिया था। समझे, कुछ भी नहीं बोल सकते। और फिर जो अंदर टमाटर तुमको, टमाटर नहीं था बड़े के पत्तों के अंदर, नहीं बीज रहते वो था। और पगली तुम शौक से खा रही थी, और बाद में दुकान में बोली थी मैं, बोला क्या हो गया? बोले अरे मैं तुम्हारी बेइज्जती रिकॉर्ड कर रहा हूँ। चले जाऊंगी।
गाइस हर 2-5 मिनट में राउंड मार रहा हूँ मैं, देखना पड़ता है उसको, ट्रैक करना पड़ता है कि कहाँ तक पहुँचा है। तो गाइस यहाँ पर ये बैटर इसका तैयार हो चुका है और अब क्या करना है इसको, अब इसे चिकन पे लगा के इसको फ्राई करना है बस इतना ही। एक्चुअली इसको ग्रिल करना होता है पर हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोग 30-40 मिनट्स रुक सके, तो मैं फ्राई करने का सोच रही हूँ। फ्राई भी कैसा, शैलो फ्राई, शैलो शैलो डटी फैलो। देखो ऐसे देखो, ये देखो, ये देखो हल्का हल्का हिलना चालू हो गया है। गलत रेसिपी बता रही है, एक चीज डाली नहीं इसके अंदर, अभी डालने का याद आया इसको। दम थोड़ा सा गाइस, या थोड़ा थोड़ा बोल के तुम ज्यादा गिरा दे रहे हो, ये ज्यादा है। तो तुमको क्या चाहिए, तुम्हारा वो मुर्गी तक खाने का क्या? मैं तो खाली मुर्गी पसंद है, बाकी सॉस से फर्क नहीं पड़ता। तो गाइस मैं आप लोगों को इस डिश का नाम बताना ही भूल गया, तो गाइस आज की रेसिपी का नाम है लेबनान के लोगों की मनपसंद डिश, लेबनीज चिकन। वाह वाह ताज वाह वाह। तो गाइस यहां से निता अनवांटेड सामान हटा रही है, तो मैं निता की हेल्प करना चाहूंगा, प्लीज गेट आउट प्लीज, गोटा गोटा कर दूंगी। तो गाइस अभी यहां पे कुछ तो कर रही है, क्या कर रही है? ये तेल लगा रही हूं मैं नॉन स्टिक पैन पे ताकि ज्यादा तेल नहीं हो उसमें, तुम खाते नहीं हो ना ज्यादा तेल। निता अपन चिकन को अंदर फ्राई करते हैं, चिकन रोस्ट हो जाती है, अगर अपन गरम तेल के अंदर बैठ गया अपने अपने रोस्ट हो जाएंगे क्या? हाँ हाँ, खा सकते हैं फिर अपने आप को, खा लो। क्या बोलते हैं, कैसा लगा आइडिया समझे? ये कौन सा तेल है रे, व्हाइट वाला? कौन सा व्हाइट वाला? ये व्हाइट वाला तेल, वो मेरा फेस वॉश है। बट तुम्हारा फेस वॉश किचन में क्या कर रहा निधा? क्या हो गया, मैं किचन में भी कभी कभी फेस वॉश करती, मेरा मन करता। निधा तुम जहर डाल के मुझे मारना तो नहीं चाहती ना? बताओ कौन सा फेस वॉश है, मैं देखना चाहूंगा। मेरा फेस हाँ, तो तुम्हारा बताओ वो फेस वॉश देखना है। हाइड नथिंग, तभी सामने रखी है इसने, हाइड नथिंग लिखा हुआ यहाँ पर। ये निधा ये क्या हरकत है, मेरे को बताओ तुम, एक फेस वॉश किचन में क्या कर रहा है? चिकन को इसमें डालेंगे, तुम पहले चिकन का मुंह तो नहीं धुलाते हो ना उसको, उसको बनाने से पहले? हाँ बराबर धोए की नहीं, धोए धोती थी पहले, मैं अभी फेस वॉश में ही लिया। वाह 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 वाह, साला जितनी की मुर्गी नहीं उससे ज्यादा मसाला महंगा पड़ रहा। बोलो तो कही, चलो अभी हम चिकन को डालेंगे। ये तो एकदम, ये तो एक कहावत मैच कर गई, मुर्गी से ज्यादा मसाला महंगा। वेरी नाइस। वाह भाई देखने में तो स्वादिष्ट दिख रहा है। तो गाइस ये आप लोग को अधूरी अधूरी रेसिपी बता रही है, इसको कौन बताएगा स्लो गैस पे इसको पकाना है? सॉरी गाइस। और तो अच्छा मैं पूछ रहा था स्लो गैस पे क्यों पका रहे हो? मुझे रोजा। हाँ तुम्हें को रोजा लग रहा है, हमको रोजा लग ही नहीं रहा है, इतनी बातें कर रहे हैं हम लोग, इतनी भंकस करता हूँ, मेरा गले का क्या हाल होता है सोचो। तुमसे भंकस करना, इसके लिए मैं खाली मगरिब और असर के बीच में बात करता हूँ। जलाली वक्त होता है ना गाइस, अंदर से खून खोलता है, ऐसा बम्बई वालों का कहना है। ये सिर्फ मिथ है, ये लोगों ने अपने मालूम, ऐसा कुछ नहीं होता है, बना दिए, ये अपनी मर्जी से लोगों ने बनाया है। क्योंकि रोजे में ना गाइस हर कोई किसी को, हर किसी को झेल नहीं पाता, इंसान भूख में रहता है अलग टेंशन में, अरे वो अगर कोई आड़ी बात कर दे बोले मत खराब कर असर मगरिब का टाइम है। उस दिन ना देखो घर से नीचे उतरे थे रोजे के बाद, हाँ झगड़ा हो रहा था डॉक्टर के पास दिखाने के लिए, तभी भी लोग झगड़ा कर रहे थे, तो कभी असर मगरिब था नहीं, वो रोजा भी नहीं, वो इफ्तारी के बाद भी थोड़ा बहुत जुनून रहता है अंदर, तरावी के पहले तरावी के बाद ठंडा हो जाता है। समझे, कमेंट करके जरूर बताना अगर आपकी नजर में ऐसा कोई है जो असर मगरिब के बीच में बहुत ज्यादा झगड़ा करता हर किसी से, कि मेरे घर में भी है मेरे अब्बा। ऐसा लग रहा है मॉल्डीज में नहीं अपन खाए थे चिकन और मच्छी, वैसी लग रहा है। मैं बोली थी ना एक नंबर दिख रहा है, दिखने में अच्छा है पर अभी टेस्ट में देखना पड़ेगा। तुम आम क्या कर रहे हो? ये आम निधा आम खा रहे थे तुम? निधा तुम आम खा, इफ्तारी के लिए कर रही हो यार। मैं बोला गाइस यहाँ खड़े रहेंगे, आम खा रही है इसने अपनी मर्जी से, अजान खुद की पढ़ ली है और खुद की मर्जी से रोजा खोल रही है। तुम सऊदी का वो कांड पर लेके बैठे हो क्या? अरे मैं नहीं खाई, मैं तुम्हारी इफ्तारी के लिए कर रही हूँ। इफ्तारी का अलग अलग कर ली, भले का जमाना ही नहीं है, भले का जमाना ही नहीं है, गले का जमाना है, गले का जमाना है, बोबड़े पैदा हो गए सबके सब घर में। गाइस लिटरली मैं बोल रहा हूँ क्या खतरनाक चीज दिख रही है यार, मतलब जब मुंह में जाके पिघलेगी और उसके ऊपर लेमन जब स्क्वीज होगा। ओहो, अरे यार इसके लिए एक और ही चीज करनी है। क्या करनी है बोला? वेट एंड वॉच। ये कैसा वेट एंड वॉच? सर पे चढ़ लीजिए। अरे ऐसा होता है ना वेट एंड वॉच, ये वेट एंड वॉच। फाइनली निधा ने यहाँ पर इसको कट कुटा कर दी है, क्योंकि ये तुमने फेस वॉश करवा के कटे ना पक्का। और ये तुमने ये सब क्या हरा पीला क्या काटे हो? इससे गार्निशिंग के लिए है गाइस। संतरे क्यों डाल रहे हो अंदर? लेकिन नींबू और संतरे, नींबू संतरा नहीं है ये, तो ये वो है बेल पेपर्स है। जला दिए? नहीं रोस्ट हो रहा है जैसा तुम हो रहे हो। आप ही बोल रही। तो गाइस चलो ये रेडी हो चुका है, सॉस बचा है कि नहीं बचा उसमें? सॉस बचा है ना, हाँ वो अलग से खाने का समझे ना। और गाइस अंदर हुमस भी, मजा आ जाएगी आज तो।
गाइस अभी जाएगा इसके अंदर ये बेल का बेल वही थोड़ा सा उसका टेस्ट बेल पेपर है। अब इसको बाद में देना गार्निशिंग के लिए अच्छा लगता था। नहीं तो उसको कच्चा कौन खाता उसको है? बोसो कच्चा कौन खाता कच्चा सैलड में खाते तो है। अब इसको गाइस यहाँ पे रोस्ट करने के लिए रख देंगे इसको एयर फ्रायर क्या बोलते हैं। तुम मेरे को एक बार बताओ तुम एकदम अभी ना अब्बा की तरह साउंड कर रहे थे क्यों? कॉपी कर रहे हो तुम किसकी? अब्बा की। बेटा तो जाएगा ना बाप के ऊपर है। वैसे सुहान मेरे ऊपर जाएगा मैं मेरे बाप पे जाऊंगा। सुहान मेरे पे जाएगा हाँ देख लेंगे ना वो तो। माशाल्लाह कितना खूबसूरत दिख रहा है एकदम निदा की तरह माशाल्लाह। देखिए तारीफ कभी कभी मैं तारीफ करता हूँ समझे ना तुम ही बोलते हो मैं तुम्हारी तारीफ नहीं करता हूँ अनरोमांटिक बोलते हो तुम मेरे को कभी 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 चलो तुम बैठो। तो गाइस जुहान मुझे लग रहा है कि उठ चुका है। तो गाइस ये हुमूस है। अगर आप लोग चाहते हो कि हुमूस बनाने की रेसिपी आप लोग को बताए तो कमेंट करके जरूर बताना गाइस। निदा को मैं बोलूंगा निदा बनाएगी रेसिपी क्योंकि हुमूस मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। जब से मैं दुबई जाके आया हूँ ना गाइस तब से हुमूस का मैं फैन हो गया हूँ और उसके जैसा टेस्ट मुझे इंडिया में अभी तक कहीं नहीं मिला है लिटरली गाइस। तो गाइस सुफियान गए है हमारे द डेंजर को लेने के लिए। लेके आओ जल्दी लेके आओ द डेंजर को। गाइस माशाल्लाह हमारे शहजादे इफ्तार के पहले उठ चुके हैं असर मगरिब का रोजा रख के बराबर असर में सोया था मगरिब वो उठ रहा है। लाओ तो उसको अरे चिड़ गया बहुत चिड़ा है बहुत एकदम ऐसा उसको नींद में से क्यों उठा ऐसा देख रहा हूँ। उठना तो पड़ेगा ना आपको भी तो इफ्तारी करनी है ना बाबू। चलो नीचे बैठो इफ्तारी। तो गाइस हम लोग फिर से दुआ करेंगे सबके लिए। तो या अल्लाह हम सबकी रोजी में बरकत देना। आमीन। या अल्लाह हम सबको 5 वक्त का नमाजी रोजे रखने की तौफीक रफीक अता फरमाना। आमीन। या अल्लाह हमसे जो भी गुनाह हो उस सारे गुनाहों को माफ अता फरमाना। आमीन। या अल्लाह जाने अनजाने में जो भी भूल चुकी हो जो भी गुनाह हुए हो जो भी किसी का दिल दुखा हो या किसी के साथ बुरा किया हो या किसी का पैसा रख लिया हो तो या अल्लाह हम सबको माफ अता फरमाना। या अल्लाह हमें देने वाला बनाना ना कि लेने वाला बनाना। या अल्लाह सबके बच्चों को माँ बाप का फरमा बरदार बनाना। या अल्लाह सारे मरहूमों को जन्नत नसीब अता फरमाना। या अल्लाह हम सबसे जितने भी गुनाह हुए हम सबकी तौबा कबूल अता फरमाना। या अल्लाह जो लोग भूखे हैं उन सबको इफ्तारी नसीब होने की तौफीक अता फरमाना। या अल्लाह फिलिस्तीन में जो लोगों पे जुल्म हो रहे हैं उनको भी जुल्म से महफूज अता फरमाना। क्या हो गया पॉटी कर दिया जा जुलवा लो फिर और क्या मैं तो सहरी करता हूँ सॉरी इफ्तारी। तो गाइस फ्रूट्स हो गया है अब चखने की बारी है। जेन्युइन रिव्यूज चाहिए। जेन्युइन ही बोलता मैं मेरी मस्का लगाने की आदत ही नहीं है ऐसा। पहले लुक्का होगा हम उसका खाऊं लुक्का का सॉस का जो टेस्ट आ रहा ना निदा मस्त है। और लिटरली वो खटास जो तुमने नींबू का डाले उसका मस्त लग रहा है अलग से टेस्ट आ रहा है ना अच्छा लग रहा है ना बहुत खतरनाक माशाल्लाह हम उसका ट्राई करते हैं चार चार लग खबूस के साथ मजा आ गया। अभी खबूस के साथ खाओ अभी खबूस के साथ और सब वो लो फ्रेंच फ्राइज वो सब। अरे हाँ वो तो लिया ही नहीं इतना अच्छा लगा उसकी लेने जरूरत ही नहीं पड़ी था। वाओ सक्सेसफुल गाइस बहुत ही इजी है और आधे घंटे में बन जाता है तो जल्दी से अपने घर में ट्राई कीजिए। सो गाइस फाइनली इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। आपके ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। लव यू अल्लाह हाफिज। Thank you.